हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरैक्टिव क्लासेस। दिस इज आवर मैथ्स टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक एंड आवर टुडेज टॉपिक इज आवर सेकंड चैप्टर ऑफ दिस टेक्स्ट बुक नेम्ड काउंटिंग इन ग्रुप्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रीड द नंबर्स who are in groups or how we count the groups, right students? And you know there is a story in the end of this chapter. We want to know, you really want to enjoy that story? A story of a farmer and a very big carrot. You want to know? Then come to me and enjoy this chapter, right? जो हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर सेकंड और नाम है उस चैप्टर का काउंटिंग इन ग्रुप्स। इस चैप्टर में हम ग्रुप्स को कैसे काउंट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनकी संख्या का पता लगाते हैं ये सीखेंगे। और साथ ही साथ इस कहानी में एक स्टोरी, इस चैप्टर में लास्ट में एक स्टोरी भी है, सुनना चाहेंगे वो स्टोरी एक बड़े से कैरेट की। चलिए आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को काउंटिंग इन ग्रुप्स, राइट। अब कहता लुक एंड गैस द नंबर, कहता देर आर कप्स एंड देर आर सम पेयर ऑफ शूज, राइट, सम पेयर्स ऑफ शूज। नाउ देयर चिल्ड्रंस आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। वन सेड कैन यू गैस हाउ मेनी कप्स, द अनदर वन सेड Can you guess how many pairs of shoes? That boy said, or that who's he or she, I can't understand. मान लेते हैं कि he is a boy. ये कहता है कि अब इन्हें ग्रुप में कैसे काउंट करते हैं। एक लड़की बोल रही है, एक लड़का बोल रहा है कि भाई ये कुछ कप हैं और इधर कुछ क्या हैं, पेयर ऑफ शूज हैं, राइट। अब वो कहता है कि क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हो? बिल्कुल, क्या कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इन्हें क्या कर सकते हैं, टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक तरीका तो हमारा ये है कि हम सिंपली उसे काउंट करें 1, 2, 3, 4 करके। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमने करा, ये कितने हैं 4, ये है 3, 4 और 3, 7, 7 और 2, 9, 9 और 1, 10। यानी कि हम इन्हें ग्रुप्स में, इस लाइन में कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, फटाफट ग्रुप्स के हिसाब से हम काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन काउंट दीज पेयर्स ऑफ शूज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ शूज, राइट, लिसन केयरफुली, अगर हम कह रहे हैं कि पेयर्स ऑफ शूज, पेयर्स ऑफ शूज मतलब होता है जोड़ा, कितने जोड़े जूते कर हैं, तो आएगा कितने जोड़े हैं, 3, 3 एंड 3, 3, 3 जोड़े हैं, तो 3 और 3, 6 और 3, 9, राइट। और अगर हम कहें कितने शूज हैं, तो अब हर एक जोड़े में कितने होते हैं, 2, तो 2, 2, 4, 5, 6, 6, तो 6 और 6, 12 और 6, 18। शूज कितने हैं, 18, और पेयर ऑफ शूज कितने हैं, 9 ओनली, राइट। अब ऐसे कहता है कि देर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स ऑफ शूज, इन ईच लाइन दैट मेक्स 9 पेयर्स ऑफ शूज। अब उसने, जैसे हमने भी आपको बताया कि जैसे पेयर ऑफ शूज की बात कर रहा है, तो कितने पेयर हैं, 3, 3 + 3 + 3, 3 × 3, 3 × 6 और 3 × 9, टेबल भी इस तरीके से ही होता है, राइट। नाउ आगे वो कहता है, लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर कैप्ट इन ग्रुप्स, ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच टाइम, राइट। अब वो कहता है कि देखिए अलग अलग चीजें रखी गई हैं ग्रुप्स में, राइट। तो आगे वो कहता है कि कितने हैं, यहाँ देखिए कितने हैं ग्लासेस, ग्लासेस कितने हैं, 1, 2, 3, 3, 3 के कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं चुपके से एक बात, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन आता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कैसे, अब आप ध्यान से देखिए, ये कितने हैं, 1, 2, 3, कितने हैं, 3, और ये कितने टाइम्स हैं, 1, 1, 2, 3, 4, कितने टाइम्स हैं ये, 3, 4 टाइम्स, तो कितना आंसर हो जाएगा, 4, 3 या 12 ग्लासेस। आया समझ में, ये है मैजिक। अब मैजिक कैसा है, ये मल्टीप्लिकेशन का मैजिक है। अब आपने देखा कि 3 ग्लासेस एक ग्रुप में रखे हैं और यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो यानी कि 3, 3 ग्लासेस कितने टाइम्स हैं, 4 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 12 ग्लासेस, राइट। अब ऐसे ही कहता है बैंगल्स, बैंगल्स माने क्या होता है किसी को मालूम है,
वेरी गुड, जो गर्ल्स कड़ा पहनती हैं उसको बैंगल्स बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार की चूड़ी है। अब वो देखिए कितने ग्रुप्स, यहाँ पे कितने बैंगल्स हैं, एक में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, यानी कि हर ग्रुप्स में कितने बैंगल्स हैं, 5, राइट। तो अब कितने बैंगल्स हैं, कितने बैंगल्स हैं, 5, और 5 5 बैंगल्स कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 5 20 5, राइट, आया समझ में, यानी कि 5 बैंगल्स 5 टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल बैंगल्स कितने हो गए, 25। अब कहता पेयर ऑफ इयररिंग्स, कितने पेयर्स हैं इयररिंग, क्या पेयर में कितने होते हैं, पेयर्स कह रहा है, तो यानी कि सिर्फ है, इसे हम सिंपली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां पर 12 पेयर्स हैं, ठीक है ना, कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स। अब वो लास्ट नीचे क्वेश्चन कहता है, वो कहता है देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून, कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स, 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून। अब वो कितने कहां है, देखिए 1, इसके बाद सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप, ठीक है ना, तो ये हमारे पास 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, राइट। अब अगर ये 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, ईच माने होता है हर एक, ग्रुप माने समूह, हर एक समूह में हाउ मैनी कितने हैं, कितने हैं, तो अब जरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हर एक ग्रुप में कितने हैं, 8 स्पून्स, ठीक है। अब वो कहता है गैस द टोटल नंबर ऑफ स्पून, अब टोटल नंबर ऑफ स्पून के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्या है ये ऑप्शंस, हमारे पास ऊपर भी थे, राइट, क्या थे कि अगर हम कहते 3 एक बार तो ऐसी कितनी बार, 4 बार, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि 3 कितने टाइम्स हैं, 3 मल्टीप्लाइड कितने टाइम्स हैं, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो इज इक्वल टू 12, ठीक है, ऐसे ही ये वाला था, तो ऐसे ही हम यहां भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पून कितने हैं, अब एक ग्रुप में कितने हैं, 8, ये कितने टाइम्स हैं, या तो हम इसे प्लस कर दें, एक ग्रुप में 8, फिर सेकंड ग्रुप में 8 और फिर थर्ड ग्रुप में 8, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 8 कितने टाइम्स हो गए, 8 ये भी इज इक्वल टू है, देखो तो 8 कितने टाइम्स है, 1 2 3 3 टाइम्स, अब कितना हो गया, अब 8 का टेबल 3 से कर दो, या 3 का टेबल 8 तक, तो 8 3 20 4, तो यानी कि टोटल स्पून कितने हो गए, 24, राइट। अब वो आगे कहता है मोर और लेस, लेट अस गेस, चलिए गेस करते हैं मोर ज्यादा है कि कम है, अब ध्यान से बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब वो कहता है रिंग द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उसे हम सर्कल कर देंगे, कहता है नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, मोर देन 40 और लेस देन 40, काउंट करेंगे और जो भी होगा उसे सर्कल कर देंगे, जिसके 40 से ज्यादा होंगे वो 40 पे सर्कल करेगा, जिसके 40 से कम है वो इस पे सर्कल कर देगा, राइट। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज, आपने ऑरेंज खाया होगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए, या फिर अगर घर पे ऑरेंज है तो उसको देख लीजिए कि कितने सीड्स, सीड्स माने होता है बीज, कितने बीज होते हैं ऑरेंजेस में, कितने होते हैं, मोर देन 50 या लेस देन 50, जो आपको मिलता है उसे आप सर्कल कर दीजिए। आगे कहता है नंबर ऑफ मैचस्टिक इन अ मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स मतलब माचिस के डब्बे में कितनी मैचस्टिक्स होती हैं, मैचस्टिक्स बोलते हैं तीलियां, माचिस की तीलियों को मैचस्टिक और मैचबॉक्स माचिस के डब्बे को, तो कहता है मोर देन 30 या लेस देन 30, जो भी आपको काउंट करेंगे, नया लेंगे बिल्कुल और उसको काउंट करके फिर आप सर्कल करेंगे, राइट। अब वो कहता है नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितनी पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं कि हर एक बच्चे के पास एक पेंसिल है, और आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, वेरी गुड, यस, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उतनी पेंसिल्स हो गई, इसका मतलब अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो यानी कि 20 पेंसिल्स हो गई, तो मोर देन 45 या लेस देन 45 आप काउंट कर लीजिए। अब कहते हैं नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील, अब ये जो स्पोक्स किसे बोलते हैं, ये जो साइकिल का जो व्हील है उसकी जो डंडियां होती है ना, ये दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये जो है इन्हें बोलते हैं स्पोक्स, राइट। तो ये जो स्पोक्स हैं कितने हैं, मोर देन 20 हैं या लेस देन 20 हैं, ठीक है ना, तो एक साइकिल, एक व्हील का बताना है, वन साइकिल व्हील, एक जो व्हील है उसमें कितने हैं,
राइट right? तो आपको मोर देन अपनी साइकिल में आप काउंट कर सकते हैं, मोर देन 20 है तो उसको, और नहीं तो लेस देन 20 है तो उसे सर्कल करेंगे. राइट right? क्लियर है ये बात. गुड. अब मजेदार गेम है जो आप कर सकते हैं अपने घर में. हॉप टिल यू ड्रॉप. हॉप माने फुदकना जब तक कि आप गिर नहीं जाते. उसके लिए आपको क्या करना है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग. वो कहता है कि अपने राइट फुट, फुट माने पैर, अपने सीधे वाले पैर से आप कितनी बार जंप कर सकते हो. जैसे आपने देखा, आपने क्या करा, लेफ्ट, सबसे पहले आप लेफ्ट लेग को ऊपर उठा लेंगे और राइट फुट पर आप जंप करेंगे और जंप करते रहिए, 1 2 3 4 जितने भी, और काउंट करिए कितनी बार कर सकते हैं उसे यहाँ पर लिखेंगे. आप उसके बिना गिरे, गिरने से पहले आपने कितने काउंट कर लिए उसे यहाँ पर लिखेंगे. और ऐसे ही आपने लेफ्ट फुट से करना है. अब आप राइट फुट को ऊपर कर लीजिए और लेफ्ट फुट पर जंप करिए, कितने कर सकते हैं आप वहां पर लिखेंगे. राइट. आगे वो कहता है मजा आएगा इस गेम में. आगे वो कहता है ज्वाइन द डॉट्स, इस डॉट्स को ज्वाइन करिए. वो कहता है जोजो डॉगी जो है वो भूखा है, ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर, क्रम से. ऑर्डर मीन्स होता है क्रम से, ठीक है. लेकिन कहां से, फ्रॉम 21 to 52. आपने 21 से काउंट करना, आपने मैच करना शुरू करना है और कहां तक, 52 तक. 1 2 3 4 को आपने नहीं छेड़ना. अब देखिए कहता है कि फाइंड आउट व्हाट इज हिडन फॉर हिम टू ईट. हिडन मतलब छुपा हुआ है, उसके लिए खाने के लिए क्या छुपा हुआ है. और आपको ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, कहां से आपने ज्वाइन करना है डॉट्स को, 21 से लेके 52 तक. ये नहीं कि 1 से शुरू करेंगे, अब 21 ढूंढे कहां, ये रहा 21, अब 21 से पहले 22, अब बिल्कुल ऑर्डर में ऑर्डर 23, फिर 24, 25, ठीक है ना. तो ऐसी लाइन ड्रॉ करते चले जाना है, ठीक है. 26, 27, 28 और कहां तक, 52 तक. राइट. और फिर मुझे बताना कि क्या मिला. अब नेक्स्ट है नॉटी भुर्रू. अब नॉटी भुर्रू, भुर्रू किसका नाम है, डॉगी का. अब वो कहता है भुर्रू हैज टॉर्न सम पेजेस ऑफ हिज ऑफ दिस बुक. जो भुर्रू है डॉगी है, उसने क्या करा, टॉर्न, टॉर्न मतलब फाड़ दिए हैं इस किताब के कुछ पेज. अब वो कहता है राइट द पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर. तो आपने क्या करना है, पेज नंबर को बिल्कुल सही ऑर्डर पर लिखना है. अब देखिए ना, कोई कहीं लिखा है 49 53 48 51 47, तो आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही ढंग से लिखना है. यहाँ उन्होंने लिखा है 48, तो इससे पहले क्या आएगा, वेरी गुड, 47, और इसके बाद क्या आएगा, 48 के बाद 49, और इसे आगे काउंट करते चले जाएंगे. काउंटिंग आती है ना आपको, सेकंड में आ गए, अब तो काउंटिंग आती होगी यार, लिखेंगे उसको. राइट. अब आगे कहता है पजलिंग टेल. पजलिंग टेल मतलब, पजलिंग माने होता है उलझी हुई पहेली जिसे बोलते हैं, ऐसी पूंछ, उलझी हुई पूंछ. अब वो कैसे है उलझी हुई पूंछ, आप जानना चाहोगे तो चलो फटाफट पढ़ लेते हैं इसको भी क्या कहता है. वो कहता है चिपकू रैट, एक रैट है उसका नाम है चिपकू, हैज अ लॉन्ग टेल, उसके पास एक लंबी सी टेल है जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं. अब वो कहता है व्हेन ही वाज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था, नॉटी बदमाश कैट थॉट, जो बदमाश बिल्ली थी उसने सोचा क्या, ऑफ ट्राइंग हिज टेल टू द पोल्स. उसने क्या करा, टाइंग, इट्स नॉट ट्राइंग, इट्स टाइंग, उसने सोचा कि इसको बांध दी जाए, उसकी पूंछ को किससे, पोल के साथ बांध दी जाए, ऐसा कैट ने सोचा. शी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है सबसे पहले उसने उसे वहां पर बांधा. शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर, और उसके बाद उसने उससे छोटे नंबर पर, फिर उससे छोटे नंबर पर, फिर उससे छोटे नंबर पर बांधा. यानी कि कौन से ऑर्डर पर, डिसेंडिंग ऑर्डर. वेरी गुड. डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना. गुड. तो फिर उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाया. तो कहता है हेल्प हर इन ट्राइंग बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इट सेल्फ एनी वेयर. अब आपने भी इसको हेल्प करनी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि जो टेल है वो एक दूसरे का आपस में क्रॉस करे. तो यानी सबसे पहले तो कौन कौन से नंबर है उन्हें ध्यान से देखेंगे हम. यहाँ पर है 30 31, ठीक है. कहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है, वेरी गुड, 28, फिर 29, फिर 30 31, फिर 32 33 34 35 36 37. तो यानी कि ये 28 से लेकर 37 तक के नंबर्स हैं, है ना. तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी वाली टेल पे बांधना है, तो यानी कि सबसे पहले तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे. तो 37, ठीक है, फिर आएगा 36, फिर क्या आएगा, वेरी गुड, फिर क्या आएगा, वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड, ठीक है ना, उसके बाद 32 31 30 29 एंड 28. राइट. अब यानी कि सबसे पहले हम 37 पर बांधेंगे, कहाँ है उसकी टेल, ये रही 37. अब 37 पे सबसे पहले बांधेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, 36 पे. यानी कि ऐसे क्रॉस नहीं करनी है एक दूसरे को, ये भी ध्यान रखना है. तो अब हमने यहाँ पर ले आए, अब 36 के बाद आएगा 35,
तो भी हम वहां से नीचे किनारे किनारे ले आएंगे 35। उसके बाद वो कह रहा है 35 के बाद 34, तो फिर हम वापस इधर से ही चले जाएंगे 34। फिर वो कह रहा है 33, फिर यहां से इसी के नीचे से ले आएंगे 33, फिर 32, और फिर हमें जाना है 31 पर, है ना। तो हम यहां से किनारे 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 जाएंगे 31 के बाद 30 के बाद 29 और 29 के बाद 28। वेरी गुड, इस तरीके से हम इसके टेल को मैच करेंगे, राइट। मजा आया खेल में, और अगर आप अपने आप ध्यान से करेंगे तो सबसे पहले हमारे को क्या तरीका था कि सबसे पहले हमने उसने कहा है ना कि पहले बिगेस्ट नंबर को सबसे पहले और उसके बाद छोटे छोटे नंबर को ऑर्डर में ले आएंगे, तो हमने इसलिए क्या करा उसमें कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे कर लिया। तो सबसे आसान तरीका क्या था, हमने देख लिया कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी, और उसके बीच में उसको पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दिया, लिख दिया, और उसके बाद हमने मैच कर दिया। और अब आ गई वो मजेदार कहानी, नाउ इट्स अ टाइम फॉर स्टोरी टाइम, राइट। और वो कहानी आ गई जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें वो स्टोरी है, तो क्या बिग कैरेट, एक बहुत बड़े कैरेट की कहानी है। अब से ध्यान से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आपसे पूछने के लिए, तो इसलिए ध्यान से सुननी पड़ेगी आपको स्टोरी। वो कहता है एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड, एक बूढ़े आदमी ने प्लांटेड माने उगाया एक कैरेट का सीड, एक कैरेट का बीज, सीड माने बीज। द कैरेट ग्रो बिग एंड स्वीट, जो कैरेट था वो उगा बड़ा और मीठा, बहुत बड़ा और मीठा। इट ग्रीव वेरी वेरी बिग, वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होगा। ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट, उसने कोशिश करी खींचने की उस कैरेट को मगर वो नहीं खींच पाया, वो बाहर नहीं आया। बट इट डिड नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आया। ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ, उसने जल्दी से अपनी बीवी को बुलाया, क्विकली माने जल्दी से। द ओल्ड मैन पुल्ड, जो ओल्ड मैन था उसने खींचा द कैरेट्स लीव, उसने कैरेट की लीव्स को खींची, उसकी पत्तियों को खींचा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड हिम, और जो बूढ़ी औरत थी उसने उस अंकल जी को खींचा, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है ना। अब अंकल जी ने पत्तियां पकड़ रखी हैं, उसे खींच रहा है, और आंटी ने अंकल जी को पकड़ के खींच रहा है। बट दे कुड नॉट पुल इट आउट, मगर वो दोनों के दोनों मिलकर उसे खींचकर बाहर नहीं निकाल पाए। द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर, जो बूढ़ी औरत थी उसने अपनी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर बोलते हैं पोती, अपनी पोती को बुलाया। द ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट, अब किसने, ओल्ड मैन ने, फिर ओल्ड वुमेन ने, और साथ ही साथ उसकी ग्रैंड डॉटर ने भी ट्राई करा, कोशिश करी, लेकिन नहीं निकाल पाए उसको खींच के बाहर, वो उसे बाहर खींच कर नहीं निकाल पाए, जैसे कि आप देख रहे हैं, जान लगा रहे हैं, इतना बड़ा हो गया था वो, इतना मोटा, समझे। आगे कहता है द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग, जो ग्रैंड डॉटर थी उसने आवाज लगाई डॉग को। द ओल्ड मैन हिज वाइफ द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग could not pull the carrot out, अब डॉग ने भी इनकी मदद करी, लेकिन सब ने मिलकर, किसने, दादाजी ने, दादी ने, पोती ने, और डॉग ने भी, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। then the dog called the cat, फिर जो डॉग है उसने बिल्ली को बुलाया। everyone pulled, सब ने कोशिश करी खींचने की, and the cat held on to the dog's tail, और जो cat थी उसने पकड़ रखी थी dog की tail। द कैरेट डिड नॉट मूव, और क्या हुआ, कितना मेहनत करने के बावजूद जो कैरेट था वो मूव नहीं कर पाया। द कैट कॉल्ड द माउस, अब कैट ने क्या करा, चूहे को बुलाया। अब आप देखिए, पहले दादाजी, फिर दादी, फिर लड़की, फिर डॉग, फिर कैट, और अब चूहा भी आ गया। दे ऑल पुल्ड हार्ड, अब सब ने मिलकर, हार्ड मतलब जोर से खींचा, टूगेदर सब ने इकट्ठा होकर जोर से खींचा। एंड द कैरेट came out, और जो कैरेट था, जो गाजर था, वो निकलकर बाहर आ गया, और आवाज आई जू जैबू, क्या आवाज आई, जैबू, और कैसे आई, एक आई की आई, क्योंकि वो सारे के सारे धप 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 करके नीचे गिर गए। दे ऑल फेल डाउन, और जैसे ही वो बाहर आया तो सारे के सारे धड़ाम से नीचे गिर गए। और दे वर सो एक्साइटेड, मगर क्या हुआ, जब वो उखड़ गया तो उन्हें बहुत मजा आया, एक्साइटेड माने उत्साहित थे। सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप, और सब के सब किचन में गए और उन्होंने उस गाजर से गाजर का हलवा बनाया और मजे से खाया, राइट। कैसी लगी स्टोरी, मजेदार थी ना। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जल्दी से देखिए। कहता हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट, हाउ मैनी मैंने कितने, पुलिंग मतलब खींच रहे थे, द कैरेट आउट कैरेट को बाहर कितने जने खींच रहे थे, तो कितने जने खींच रहे थे, सबसे पहले ओल्ड मैन, फिर उसकी वाइफ, उसकी पोती, फिर डॉग, फिर कैट, फिर
रैट, यानी कुल मिला के हो गए सिक्स. कितने जने हो गए? सिक्स. अब वो कहता है हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट. सबसे पहला आदमी कौन था या सबसे पहला जना कौन था जो कि खींच रहा था उसको? उसका नाम लिखेंगे द ओल्ड मैन. उसके बाद कहता है द कैट इज डैश इन द लाइन. अब जो थी कैट थी वो कौन सी पोजिशन पर थी? अब उसने उसकी पूछी है द कैट इज इन द लाइन. अब वो कौन सी पोजीशन पे है? जब हम पोजीशंस की बात करते हैं तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम इन जो ये नंबर्स होते हैं वन टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो नंबर होते हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स. क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर्स. तो अब वो क्या है द कैट इज इन कौन से नंबर, उसका ऑर्डिनल नंबर क्या है, कौन सी पोजिशन पर है कैट? तो सबसे पहले था वन टू थ्री फोर और ये डॉग के बाद कैट, तो यानी फिफ्थ पोजिशन, तो हम लिखेंगे फिफ्थ इन द लाइन. और ऐसे कहता है हु वॉज द फोर्थ वन ऑन पुल वन टू पुल द कैरेट. और वो कौन है जो फोर्थ पोजिशन पे था कैरेट को खींचते समय? तो वो कौन था? डॉग. वो कहता है हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम. और जब कैट आई, कहता हाउ मैनी लोग, कितने सारे लोग थे जो पुल कर रहे थे, खींच रहे थे कैरेट को, कब? बिफोर मतलब पहले. किसको? कैट के आने से पहले, जब कैट ने उनकी हेल्प करी उससे पहले कितने लोग पुल कर रहे थे? तो कैट कहाँ है? ये तो उससे पहले कितने? वन टू थ्री फोर. कितने लोग थे? फोर. फोर जने थे जो कैट के आने से पहले उसकी कैरेट को खींच रहे थे. अब वो कहता है मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन. तो जो लाइन में थर्ड नंबर पर है उसके सर पर आपने कैप बनानी है. और लास्ट में कहता है मेक अ मुस्टैक. मुस्टैक बोलते हैं मूछों को, फॉर द सिक्स्थ वन इन द लाइन. और जो लाइन में सिक्स जना है उसकी आपने मूछें बनानी है. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन थे उस जो आपने पिछले स्टोरी सुनी उसके बेस्ड. समझ में आए? और फटाफट लास्ट दिया है इस चैप्टर, वो है सीमा की सेंचुरी. अब सेंचुरी किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो सीमा सेंचुरी. सेंचुरी बोलते हैं जब आपके पास 100 रुपीज हो या 100 की संख्या आपके पास हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेंचुरी. यानी कि जब 1-1 रुपीज के कॉइन आपके पास 100 हो जाए तो सेंचुरी हो गई. या 50-50 के टू नोट्स, मतलब जब उसका सम 100 हो जाए. जैसे क्रिकेट में सेंचुरी वर्ड्स आता है क्रिकेट से. जब क्रिकेट में एक खिलाड़ी 100 रन बनाता है तो बोलते हैं उसकी सेंचुरी हो गई. 50 रन बनाता है तो हाफ सेंचुरी, और 200 रन बनाता है तो डबल सेंचुरी, है ना? तो अब वो कहता है कि सीमा की सेंचुरी. अब सीमा की सेंचुरी किसमें? क्रिकेट खेल रही है क्या सीमा? नहीं. तो चलो देखते हैं. सीमा हैज मेड अ डिजाइन विद डिफरेंट बिंदीज. जो सीमा है ये लड़की, इसने क्या करा, डिजाइन बनाया बिंदी से अलग अलग. अब कैसा डिजाइन है? जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब इसने एक ही गोल बिंदी है, एक ये ब्लैक सी कुछ कलर की बिंदी है, फिर ऐसे बिंदी, फिर ये बिंदियां, ये अलग अलग तरह की बिंदियों की उसने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं. वो कहता है लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज. अब इन टोटल नंबर ऑफ बिंदीज कितनी है ये आपने बताना है और ध्यान से देखना है. तो अगर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बिंदी अगर हमें निकालनी हो तो सबसे पहला तरीका है तो वही है कि हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 हम देखते रहे. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि क्या देखें, इसने ना इसने क्या कर रखा है, बिंदी बनाने में एक सावधानी बरती है, एक तरीका अपनाया है. जैसे कि सबसे पहले उसने कहीं पे या तो उसने 1 बनाई है, 1 उसके नीचे 2 उसके नीचे 3 उसके नीचे 4, हर जगह उसने ऐसे ही करा है कि सबसे पहले एक बिंदी उसके नीचे 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, 1 2 3 एंड 4 हर बार उसने. यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो एक ग्रुप में कितनी है, 1 2, अब कितना हो गया, 1 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10. यानी कि एक ग्रुप में कितनी है, 10, कितनी है, 10 बिंदीज हर एक में. ऐसा ही है देखिए, है ना? तो अब अगर एक ग्रुप में 10 है तो ये 10 वाले कितने ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी कि 10 बिंदियां कितने टाइम्स हैं, 8 टाइम्स. तो यानी इसको कैसे लिखेंगे, 10 बिंदियां हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स. तो कितना आंसर आएगा, 10 8 जा 80. तो ये तो 80 हुआ है. अब वो तो कह रहे थे सेंचुरी, अब सेंचुरी तो होती है 100 की, तो ये तो 80 है ना. चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायद उसमें कुछ आ जाए. वो कहते हैं ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज. अब आपको 100 बिंदीज बनानी है तो आपने और ग्रुप बनाने हैं. तो कहता हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ. तुम्हें कितनी ड्रॉ करनी पड़ेंगी, कितनी बनाने के लिए, 100 बिंदीज बनाने के लिए. आपने अभी तक सीमा ने कितनी बना रखी है, 80, और आपको कितनी करनी है टोटल उसे, 100. तो आपको कितनी बनानी पड़ेगी, 80 तो बनी हुई है और आपको बनानी है 100. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, 100 में से हम अगर माइनस कर देंगे 80 को तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और कितनी ड्रॉ करनी है.
है ना, तो जीरो में से जीरो गया, अब टेन में से एट गया तो बचा टू, तो यानी ट्वेंटी बिंदीज हमें बनानी है। कितनी बनानी है? 20 बिंदीज। और अब 20 बिंदीज को अगर जब हम बनाएंगे तो हमें बिल्कुल उसी ग्रुप में उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि सीमा ने बनाई है, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, ठीक है, और ऐसे ही फिर इसके साथ 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, ठीक है, तो 10 और 10 20, राइट, आया समझ में। तो ये होता है ग्रुप्स में किस तरीके से काम करते हैं। और सेंचुरी कितने की होती है? 100 की। हमें पता है कि अब पता चला हमने दो तीन चीजें हमने सीखी, और आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। राइट, टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।